तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज क्रिकेट का पिच बन रहा है और बहुत ही दूर में आप देख सकते हैं बहुत बड़ी पिच बन रही है। तो हम लोगों को कॉलेज से एक फील्ड मिल चुका है, पहले यहाँ पे खेती होती थी इसीलिए इसमें मेहनत की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन हमें लगता है कि पिच बन जाएगी दो चार दिनों में और यहाँ उसके बाद टूर्नामेंट कराया जाएगा। देख सकते हैं आप कितने लोग यहाँ पर टीम आ चुकी है, आज शाम को टूर्नामेंट कराने का प्रयास किया जाएगा लेकिन हमें लगता है अभी हो नहीं पाएगा। देख सकते हैं पिच रिपोर्ट भी, पिच बहुत खराब है, यहाँ मिट्टी भी बहुत नरम है और पिच के लिए थोड़ा कम्पैक्ट मिट्टी चाहिए, मिट्टी अच्छी होगी तभी जाकर गेम हो पाएगा। ठीक दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है यहाँ पे आज मैच होने वाला है और बहुत बड़ा मैच होने वाला है। यहाँ पे देखियो टीम बहुत दूर दूर से आ चुकी हैं और बहुत टीमें भी आने वाली हैं। तो एक भैया मिले हैं, इनसे पूछते हैं कि पिच कैसी है और तो भैया बताए इसके बारे में, बताइए पूरा हमको। गुड आफ्टरनून दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज यहाँ पिच नहीं आ रही है तो पिच यहाँ की बहुत सूखी है जिसमें कि बॉल उछलेगी, अच्छे से उछलेगी पर जहाँ अच्छे से उछल जाती है वहाँ हल्का सा दबाव भी खाती है बॉल, तो बॉल दबाव दबेगी थी बॉल, मतलब एकदम भुरभुरी पिच बना दिए हैं। पिच भुरभुरी है और हालांकि हम लोग सुधार रहे हैं, पानी डालेंगे इसके ऊपर थोड़ी देर बाद। अच्छा अच्छा, और खेलेंगे भी मैच, हम लोग और दबेगी पिच। अच्छा, हमें लगता है अगर आप इसमें गेम के बाद अगर कुछ बोना चाहें तो बो सकते हैं, इतनी अच्छी पलोराइज मिट्टी है इसकी, तो इसकी विषय में क्या कहना चाहेंगे? अब यहाँ पिच बनेगी सर, बोलने कोई महत्व नहीं बनता है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, पर ये हो सकता है कि अगर बोना चाहें तो बो सकते हैं। बो सकते हैं, तो हम बता दें आपको कि अभी पिच सही से बन नहीं पाई इसलिए मजाक कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं और फावड़ा 8-10 फावड़ा हमेशा खटाखट चल रहा है, तो ऐसे ही सब सिस्टम है यहाँ पे। भैया जुटे हुए थे इसलिए पूछना पड़ गया हमें। ठीक है दोस्तों, दुबे सर आप इतनी मेहनत से लगे हुए हैं इस पिच पे, बताएंगे आप यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे जो कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीन कैंपस है जी, यहाँ पे आज इंटरेस्ट कवर चल रहा है बुधवार के दिन। यहाँ पे हमारे जूनियर है, प्री जूनियर और सब बैचमेट भी खेल रहे हैं, देखिए यहाँ पे काम कर रहे हैं जी। यहाँ पे क्रिकेट की पिच बन रही है, मतलब यहाँ क्रिकेट पिच बन रही है, मतलब इस ऐसे स्थान पर क्रिकेट खेलने लायक है आपका कहना है? इसे देखिए स्थान नहीं, अभी केवल काम चल रहा है ना, अभी तक ये उपजाऊ जमीन थी। अच्छा अच्छा, तो अब इसमें मतलब अच्छा अभी आप लोग को जमीन मिली है अभी? हाँ अभी मिली है, फिलहाल मिली है। चलिए ठीक है, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है, बहुत अच्छा अच्छा। हाँ तो इसको आप एल्कलाइन सुधारना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब शाम को मैच होने वाला है और सारी टीमें इकट्ठा हो चुकी हैं, लेकिन जो पिच है अभी इसकी हालत बहुत गंभीर है और यहाँ पे पहले यहाँ पे खेती होती थी, गेहूँ कटने के बाद यहाँ पिच बनने के लिए तैयार हो गए हैं और गांव वाले जुड़ के पूरा एकदम, गांव वाले नहीं कॉलेज वाले बच्चे हैं जुड़ के पूरा बना रहे हैं। अभी भैया इनसे मिलते हैं, बताएंगे थोड़ा पिच के बारे में। भैया बताइए, पानी 2-3 बार पड़ जाए और चल जाए तो बराबर हो जाए, ये भी थोड़ा भैया कहना है थोड़ा पानी की जरूरत है, पानी पड़ जाए एक बार लोलर चढ़ जाए तो ये पिच सही हो जाएगी, लेकिन हम बता दें आपको यहाँ लोलर की व्यवस्था कराने में बहुत दिक्कत है। हाँ रितेश सर, आप बताइए इसके बारे में, पिच कैसी है? पिच तो बन चुकी है, बस इसमें पानी और लोलर की कमी है। तो आप देख सकते हैं आप टीम आ चुकी है और पानी और लोलर खोज रहे हैं बच्चे, हमें नहीं लगता कि आज शाम तक पानी और लोलर मिल पाएगा। सर जी ये पिच कैसी है बताइए इसके बारे में कुछ? पिच तो अभी सही बनी नहीं है, पिच की जो लंबाई और चौड़ाई तो लोग बढ़िया से नाप लो और जो बड़े बड़े ईंट पत्ते बराबर कर दो, एकदम महीन कर दो ये। जी सर, सर जी सब थोड़ा करिए, इंटरकल वाले से इंटरकल नहीं अभी तुम लोग बढ़िया से प्लेन कर दीजिए। तो सर जी आज शाम को मैच होने वाला है, किस प्रकार हो पाएगा मैच यहाँ पे? मैच होगा, पहले दो कैप्टन चूज किया जाएगा, दो कैप्टन और इसके जो अंपायर, दो अंपायर सिलेक्ट किया जाएगा। जी सर, दो अंपायर किसको सिलेक्ट कर? आप है ना, साइंस एक्सपर्ट आना चाहिए रणवीर सर, बताए मंत्री नहीं आते कैबिनेट मंत्री। सर जी बहुत धन्यवाद, आपने पिच के बारे में थोड़ा जानकारी दी।